नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में मैं आज आपको क्वांटम मैकेनिक्स की इम्पोर्टेंट इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन की बात बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि प्रकाश की जो व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण की घटनाएं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए हमको प्रकाश के तरंग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कुछ अन्य घटनाएं ऐसी हैं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, क्वांटम प्रभाव है, इनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के उपयोग से संभव नहीं हो पाती है और इन प्रभावों की व्याख्या करने के लिए हमको प्रकाश के कण स्वरूप पर आधारित जो आइंस्टीन का प्रकाश क्वांटा सिद्धांत है उसका उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जो स्पेस में मूव करते हैं। ऊर्जा के इन क्वांटम को हम फोटोन कहते हैं और यदि एक फोटोन की ऊर्जा न्यू फ्रिक्वेंसी पर गमन कर रहे फोटोन की ऊर्जा की मान की बात करें तो ये E=hν समीकरण से दिया जाता है। इस प्रकार हमने देखा है कि प्रकाश तरंग तथा कण दोनों स्वरूप में विद्यमान होता है और इस कारण से प्रकाश को हम द्वैत प्रकृति का लेते हैं। जब ये प्रकाश तरंगे परस्पर इंटरेक्शन करती हैं तो उससे उत्पन्न प्रकाश प्रभाव, उससे उत्पन्न जो प्रभाव है वो प्रकाश का तरंग सिद्धांत का पालन करते हैं तथा जब यह प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो वह कण स्वरूप के रूप में ऊर्जा का विनिमय करता है। इस आधार पर वैज्ञानिक डे ब्रोगली ने परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग के लाक्षणिक गुणों का कणों के लाक्षणिक गुणों से संबद्ध होना पाया जाता है ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ भी तरंगों के लाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए, अर्थात इसी गतिशील कण जिसका संवेग पी होता है के सहचारी एक तरंग की कल्पना कर सकते हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा एच और पी के अनुपात के बराबर होती है। इसी को हम देव ब्रोगली के कल्पना के नाम से जानते हैं। इस प्रकार गतिशील द्रव्य कणों से संबंधित तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती है और इसकी पुष्टि भी जो है प्रायोगिक रूप से की जा चुकी है। इस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति के साथ साथ द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है और दूसरे शब्दों में हम कहें तो
द्रव्य कणों में भी तरंग स्वरूप और कण स्वरूप विभिन्न इंटरेक्शंस पर डिपेंड करता है। क्यों द्रव्य कणों के सहचारी एसोसिएटेड द्रव्य तरंग हैं, उनको निरूपित करने के लिए वेव पैकेट का कंसेप्ट दिया जाता है। और इस वेव पैकेट के आधार पर एक फंक्शन साई परिभाषित होता है और इस फंक्शन को तरंग फलन या वेव फंक्शन हम कहते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा है कि किसी भी द्रव्य तरंग को या द्रव्य कणों को किसी निश्चित संवेग p के रूप में यदि हम परिभाषित करें जिसकी संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p जीरो होगी क्योंकि हम इसका संवेग निश्चित मान रहे हैं। इसके लिए एक ऐसे तरंग फलन साई परिभाषित होगा जो एक ऐसे कण को निरूपित करता है जिसकी स्थिति का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार किसी मुक्त कण के गतिक अवस्था से संबंधित उसके तरंग और कण स्वरूप की जो विवेचना है उसको पूर्ण रूप से करने के लिए एक ऐसे समीकरण की हमें आवश्यकता होती है जो क्वांटम सिद्धांतों का पालन करे। डे ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार कण से संबंध फलन को एक आवर्ती तरंग फलन से निरूपित किया जाना चाहिए जिसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा 2 पाई न्यू इजिकल टू 2 पाई बाई एच न्यू पर नीचे दोनों से एच से मल्टीप्लाई किया 2 पाई बाई एच 1 अपॉन एच क्रॉस होगा एच न्यू, जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी होगी। तो एनर्जी का दूसरा जो फार्मूला है वो होगा ई इजिकल टू एच क्रॉस ओमेगा। इसी प्रकार तरंग संचरण नियतांक को परिभाषित कर सकते हैं के इजिकल टू 2 पाई बाई लेमडा और रीअरेंज करने पर ये हो जाता है पी अपॉन एच क्रॉस के बराबर। और इस तरह से हमको संवेग पी की वैल्यू एच क्रॉस के पदों में प्राप्त होती है। इस प्रकार ई और पी क्रमशः कण की ऊर्जा और संवेग को निरूपित करते हैं और ये हम देखते हैं फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का डिपेंड करते हैं। ये जो तरंग फलन परिभाषित किया जा रहा है इसकी अपनी विशेषताएं होती है जिसमें से निम्न दो विशेषताएं ये मूल रूप से रखना चाहिए। ये तरंग फलन रेखित होना चाहिए ताकि इसका अध्यारोपण नियम के आधार पर कॉम्बिनेशन किया जा सके अध्यारोपित किया जा सके। तरंग फलन के गुणांकों में केवल नियतांक होने चाहिए ताकि तरंग संघों के निर्माण में कोई बाधा
ना हो, ये आप पहले भी देख चुके हैं। इन विशेषताओं वाले एक तरंग फलन के रूप में हम परिभाषित कर रहे हैं, यहाँ साई एक्स टी वन डाइमेंशनल तरंग फलन ले रहे हैं। ये अपन साई एक्स टी इक्वल ए टी टू दी पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका हम कोई सा भी रैखिक संयोजन ले सकते हैं। अतः इसका कोई रैखिक संयोजन कुछ भी हो सकता है, ए को ए वन ए टू के रूप में लेके रैखिक संयोजन के रूप में ले लें। स्पष्ट है कि जो तरंग फलन हम परिभाषित कर रहे हैं वो अनिश्चितता सिद्धांत का भी पालन करे, तो इसका स्वरूप उक्त समीकरण से भी व्यापक फलन होना चाहिए। सामान्य जो समीकरण है तरंग समीकरण वो हम देख चुके हैं, ये डेल टू साई अपन डेल टी टू इक्वल टू गामा डेल टू साई अपन डेल एच टू के बराबर होती है, जिसमें गामा ओमेगा स्क्वायर अपन के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर के बराबर होता है, और यह चर राशियों पर निर्भर करता है। अतः समीकरण दो का उपयोग क्वांटम यांत्रिकी में हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक नई इक्वेशन परिभाषित करनी होगी। श्रोडिंगर ने नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के लिए इस तरह की एक अवकल समीकरण प्रस्तावित की, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, और इसका हल ई आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी या ई माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी के रूप में अगर हम मान लें तो गामा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, गामा आई ओमेगा अपॉन के स्क्वायर, या टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें या एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करें तो हमको आई ओमेगा अपॉन के स्क्वायर गामा के बराबर प्राप्त होता है। इसको रीअरेंज करने के लिए आप देखिए कॉन्स्टेंट से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इससे हमको मिला आयोटा एच क्रॉस वी अपॉन टी स्क्वायर, और इसको भी हमने रीअरेंज कर दिया तो गामा की वैल्यू हमको मिलेगी आयोटा एच क्रॉस अपॉन टू ए के बराबर। स्पष्ट है कि ये जो इक्वेशन बन रही है डेल साई अपॉन डेल टी गामा डेल टू साई अपॉन डेल एच के टू, ये केवल एच एच क्रॉस तथा एम पर निर्भर करता है जो कि कॉन्स्टेंट्स है, पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए कॉन्स्टेंट है। अतः जब गामा की वैल्यू रख दे तो हमको मिलेगा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल टू साई अपॉन डेल एच टू, और इसको यदि रीअरेंज करें तो हमको इक्वेशन मिलेगी आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल टू साई अपॉन डेल एच टू। यही इक्वेशन एक यूनिट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। एक मुक्त कण के लिए यदि हम तरंग फलन की बात करें तो साई एक्स टी इक्वल टू ए आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, और समीकरण और तीन चार से जब उसकी एनर्जी डिटरमिन करेंगे तो ये हमको पी स्क्वायर अपॉन टू ए के बराबर प्राप्त होती है। संवेग और एनर्जी के जो संकारक हैं उनको भी हम यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं, आप इससे समीकरण तीन और छः से इसको देख सकते हैं। जो संवेग है उसका संकारक होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एच, और एनर्जी संकारक होगा आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। यदि कण किसी स्थिति ऊर्जा क्षेत्र में विद्यमान हो तो उस परिस्थिति में टोटल जो एनर्जी है कण की वो होगी पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी एक्स टी के बराबर, और इस आधार पर जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन प्राप्त करना चाहें
तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगी आयोटा स्क्रोस डेल साई अपन डेल टी इक्वल टू माइनस अपन टू एम डेल टू साई अपन डेल एक्स टू प्लस वी एक्स टी साई एक्स टी। ये एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है, टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। त्रिविमीय श्रोडिंगर इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं E का जो ऑपरेटर है वो होता है आयोटा इक्वल डेल अपॉन डेल टी, पी एक्स का ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा इक्वल डेल अपॉन डेल एक्स, पी वाई का होगा माइनस आयोटा इक्वल डेल अपॉन डेल वाई, पी जेड का होगा माइनस आयोटा इक्वल डेल अपॉन डेल जेड। और टोटल जो इक्वेशन में समीकरण में जो एनर्जी हमको प्राप्त होगी वो आप जानते हैं पी स्क्वायर अपॉन टू एम होती है, और पी स्क्वायर या तीन कंपोनेंट के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। तो टोटल एनर्जी पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर जेड अपॉन टू एम के बराबर होगी, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऐड करने पर ये कण की कुल एनर्जी होगी। और इस प्रकार जब हम दोनों साइड एनर्जी वैल्यूज को रखते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है उनको रखते हैं तो हमको त्रिविमीय श्रोडिंगर इक्वेशन प्राप्त होगी, जो इस तरह से है आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू शाई आर टी प्लस वी आर टी शाई आर टी, वेर आर पोजिशन वेक्टर है और टी टाइम, जहाँ डेल टू आपको मालूम है लाप्लासियन समीकरण कहलाता है। समीकरणों से ये भी स्पष्ट है कि शाई को यदि बाहर निकाल लें आप तो माइनस एच प्लस तरफ हम टू एम डेल टू प्लस वी आर टी हमको प्राप्त होता है। ये जो वैल्यू है ये पार्टिकल की कुल ऊर्जा को निरूपित करता है और इसको हैमिल्टोनियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म में जब मैं इसको लिखूं तो ये होगा होता है इसको डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू एच शाई आर टी के बराबर। ये हैमिल्टोनियन संकारक कहलाता है और शाई आर टी जो है वो ए आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी से दिया जाता है, जहां आर पोजिशन वेक्टर है और उसको जानते हैं। जो समीकरण प्राप्त हुआ हमें उसके व्यापक गुण इस तरह से हैं, समय का प्रथम कोटि का समीकरण है, शाई आर जीरो ज्ञात हो तो शाई आर टी ज्ञात किया जा सकता है, ये रेखीय समीकरण है जिसके कारण हलों का अध्यारोपण हम कर सकते हैं, समांगी समीकरण है इस कारण मोडोलो स्क्वायर इंटीग्रल डीवी का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, और ये हमें उस पर्टिकुलर निकाय के लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के काम में ये आता है। आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, कल मैं इस श्रोडिंगर इक्वेशन और उसके संबंध में जो वेव फंक्शन है उनके बारे में कुछ अतिरिक्त बातें आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आप देखेंगे तो आपको श्रोडिंगर समीकरण और तरंग फलनों के बारे में और जानकारी प्राप्त होगी। तब तक के लिए नमस्कार।